पत्थर के ही बने हैं जो कि यहाँ पे बहुत सालों से बनाते थे, और मैंने देखा कि अपने लाहौर और स्पीति और हर जगह पत्थरों के जो बर्तन हैं काफी मशहूर। जिले इस्लाम वालेकुम तशद खुशाम पर नमस्ते एवरीवन। तो आई होप कि आप सब खैरियत होंगे। तो दोस्तों आज हम हुंदर से निकल रहे हैं अपने गांव यानी कि तुरतुक, और दिखाने की कोशिश करूंगा आप सबको तुरतुक का जो सफ़र है और साथ ही हमारे गाँव की। गाड़ी में सारा सामान हमने पैक कर लिया है, अब हम निकल रहे हैं। अच्छे दिन से घूमे। तो अब हम जस्ट निकल चुके हैं हुंदर से, तो पहले परता जाएंगे, थोड़ा गाड़ी में हवा भरना है। और अभी हमारे साथ हैं हमारे गौचर साहब और उसका बेटा बुजो चंदोला भी हमारे साथ है। चंदोला से हाय। हुंदर से तुरतुक का जो सफ़र है वो 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, तो आगे आप सबको दिखाते रहेंगे। बाय बाय बुजो, बाय बाय अजीत बाय। अभी हम थाइस एयरपोर्ट से जा रहे हैं। अब यहाँ से जो हमारा गांव है तुरतुक वो लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर है। अभी हमने प्रतापपुर में गाड़ी में हवा भरना था बट वहाँ पे कोई मिला नहीं, तो सीधा हम तुरतुक जाके ही हवा भरेंगे। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि लगभग 2-3-4 महीनों के बाद मैं घर जा पा रहा हूँ। एक्साइटेड हूँ अपने गाँव में वापस इतने महीनों के बाद जाने के लिए। जाने का टाइम उतना नहीं मिलता क्योंकि जब हम काम ही लेह में बेस थे तो फिर उतना आना जाना नहीं होता, तो क्या करें। दिस द हार्श रियलिटी ऑफ एवरी लद्दाखी आई गेस, जो शहरों में रहते हैं काम के चक्कर में बट अपने गांव के जो खूबसूरती की मज़ा नहीं ले पाते हैं बेसिकली। और जो गाँव की अपनी एक अलग फीलिंग है जो कि काफ़ी, मतलब हम किसी चीज़ से उसको कंपेयर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, चले। हमारे नुब्रा वैली के पहले बल्ती गांव में से गुजर रहे हैं जिसका नाम है चंगमर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा गांव है। तो इसके बाद हम बुरदाम पहुँचेंगे और उसके बाद चुलुंखा, फिर लास्ट पे तुरतुक, बाकी साहबी त्यक्षी और थंग गांव है जिसमें जहां हम कल जाएंगे अनिल को लेकर। तो अभी हम आते आते यहां पे चंगमर से थोड़ा आगे जहां पे एक ब्रिज है वो उसका काम चला हुआ था, तो यहां पे फंस गए लगभग 1.5 घंटे जैसा। तो अभी फाइनली खुल गया, तो वहाँ से गाड़ी पहले आ रही है, तो हम जाएंगे उसके बाद। फाइनली तुरतुक की हसीन वादियों में पहुंच गए हैं। तो फाइनली हम यहाँ पहुंच गए, तो मैं और अनिल पहले गेस्ट हाउस में जाएंगे, काफ़ी भूख लगी है तो हम पहले वहीं जाएंगे और उसके बाद थोड़ा घूमने की कोशिश करेंगे। हमारे गेस्ट हाउस से पहुंच गए हैं, तो थोड़ा खाना खाने के बाद उसके बाद हम गाड़ी से सामान वगैरह निकालेंगे। वेलकम टू तुरतुक अनिल जी। खाना आ चुका है और अनिल को लगी है बहुत ज़्यादा भूख। जबा जबा। चुके हैं और अब हम निकलेंगे हमारे गांव तुरतुक के लिए, जो कि ऊपरी हिस्से में हम जाएंगे क्योंकि अभी हम निचले हिस्से में बैठे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारों ने कमेंट में लिखा था कि आपके गांव को दिखाओ, तो मैं आप सबको अपने गांव जो खूबसूरत है उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तुरतुक के आइकॉनिक वुडन ब्रिज पर पहुंच चुके हैं जो कि काफी खूबसूरत दिखता है, तो चलिए चलते हैं। ये हमारा खूबसूरत वुडन ब्रिज, आइए मेरे साथ। तो हमारे जो यहाँ के जो ब्रिज है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो गांव के 2 पार्ट्स हैं यूल एंड फरोल उसको जोड़ता है। तो अभी हम फरोल की तरफ पहले जाएंगे, जहाँ पे मेरा घर है उस तरफ जाएंगे और उसके बाद हम यूल की तरफ भी जाएंगे।
अभी मैं उस स्कूल के सामने पहुंच चुका हूं जहां पे मैंने अपने बचपन की पढ़ाई की है। तो देखिए ये है हमारे प्राइमरी स्कूल तुरतुक, ये हमारे रेछन इलाके का है। तो मैंने यहां पे ही पढ़ाई किया था अपने बचपन में, तो काफ़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। और आप सब देख सकते हो काफ़ी छोटा स्कूल है। मैडम नलकर मैम ओले मैम ने तेने मजा छून जाने वाला मैम ने लफ से नहीं कहा मजा मंगछत पे इन्हें कदूत में दीदी मैम ने थुक सों थुक जैसे मैम ले बहुत अच्छा। तो ये है मेरा बचपन का क्लासरूम, यहाँ पे हमने बचपन गुजारा है। या तेने थू ना ताया मैम मैम तो अभी मैं आप सबको ले जा रहा हूँ हमारे तुरतुक के फरोल जो कि मेरा एरिया है वहाँ की गलियों से। ना आप सबको बताते हैं इससे पहले वाले व्लॉग में बिल्कुल नाको की जो घर हैं वैसे दिखती हैं, आगे आप सबको दिखाता हूँ कुछ और। तो अब हम जाएंगे हमारे यहाँ के जो म्यूज़ियम है जहाँ पर आपको दिखाई देंगे कि हमारे जो बलती लोग हैं वो पहले कैसे रहते थे, घर के जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता था। तो ये हमारा बलती हेरिटेज हाउस है। तो अभी हम आए हमारे बलती हेरिटेज म्यूज़ियम में। प्लीज अपने सिर को बचा के चले क्योंकि उस ज़माने में काफ़ी छोटे वो होते थे। तो ये हमारा सुम बोलते हैं, आप लोबी बोल सकते हो। तो ये लोबी टाइप का होता था। तो सबसे पहले हम जाएंगे दुगनंग की ओर जो कि किचन होता है और छोटा सा लिविंग रूम जैसा भी। तो आइए। वाओ। तो यहाँ पे आग वगैरह जलता है और फिर यहाँ पे जितने भी यूटेंसिल वो वगैरह रखते हैं और जितने भी आप बर्तन वगैरह देख लो यहाँ पे ज्यादातर वो पत्थर के ही बने हैं जो कि यहाँ पे बहुत सालों से बनाते थे। और मैंने देखा कि अपने लाहौल और स्पीति और हर जगह पत्थरों के जो बर्तन हैं काफी मशहूर हैं। खिड़कियां भी देख लीजिए सारे कुछ लकड़ी का ही है। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जोत में जो कि स्टोर रूम होता है बलती घरों में। आप देख सकते हो इस वाले हिस्से को हम ब्रह्मा कहते हैं। लकड़ी का ही बॉक्स बड़े बड़े होते हैं और इसमें अनाज जो है रखते हैं। ये दोनों ही जो मग जैसे हैं उसी के साथ ही अनाज को नापते थे। जैसे आप देखते हो इसके अंदर अनाज होते थे और इसमें भी अनाज होता था। इसको हम बंगो कहते हैं और इसके साथ ऊन का बुनाना होता है। और आप देखिए इसको, इसमें देखिए ये सब जितने भी ऊन, मुझे लगता है कि हमारे हिमालयन रीजन में ज़्यादातर जगहों पे इस तरह के चीज़ें यूज़ होते हैं ऊन बुनने के लिए। आप देख रहे हो इसको हम शागरोम कहते हैं, जो छोटे बॉक्स है उसमें हम इसको शागरोम कहते हैं, जिसपे हम और भी चीज़ों को जैसे एप्रिकॉट वगैरह जो कि यहाँ का मेन कल्टिवेशन है उसको स्टोर करते हैं। और अगर लॉक भी आप देखा जाए तो उस टाइम पे इस तरह का होता था। अब हम पहुँच चुके हैं निचले वाले हिस्से में जो कि ज़्यादातर पत्थर का ही बना होता है। जैसे आप देखो तो उधर गायों के भी, हमारे गाय रखने का भी जगह है कुछ इस वाले हिस्से में जो कि शायद बहुत ही जल्द खोलने वाले हैं। म्यूज़ियम जो है पीछे साइड से इस तरह का दिखता है, स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे तुरतुक के गलियों से। तो जैसे कि मैंने आप सबको पिछले वाले नाको वाले व्लॉग में भी बोला था, ऐसा लग रहा है मुझे खुद कि मैं फिर से नाको पहुंच गया जबकि मैं अपने गांव तुरतुक में हूं। और अब हम जाएंगे हमारे तुरतुक के नेचुरल फ्रीजिंग पॉइंट पे जो कि एक नेचुरल फ्रीज़र ही आप बोल दो। तो जैसे आप ये छोटे छोटे जो घर देख रहे हो ये बहुत सालों पहले बनाया था हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि इस एरिया में जो है नॉर्मल टेम्परेचर से काफ़ी ठंडा रहता है। समर के टाइम पे ठंडा और विंटर के टाइम पे गर्म ही रहता है क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर सेम ही रहता है। छोटे छोटे घर बने हुए हैं जिसको एज अ फ्रिज यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो मक्खन हो गए, जो पेरिशेबल जितने भी आइटम्स हैं उन सबको इसमें रखते हैं। तो इस एरिया में आप जब भी आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो पूरा एसी लगा हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज़ आप सबको बताता हूँ, जैसे कि कारगिल वार के टाइम पे हमारे यहाँ पे भी हुआ था जहाँ पर हमारे लोग भी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि शेलिंग वगैरह होता था तो यहाँ पे छोटे छोटे बंकर बने हुए हैं। हर एक फैमिली का एक एक है जहाँ पे शेलिंग के टाइम पे, क्योंकि जान है तो सब छुपने के लिए ताकि सेफ रहे, क्योंकि खेती बाड़ी भी तो करना था और साथ ही अपने आप को बचा के भी रखना। तो सच में इन गलियों में मेरा बचपन बीता है और तो बहुत ही अच्छा लगा, एक बार फिर से अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और अभी हम हमारे गांव के गोनपा की तरफ जा रहे हैं और अभी हम जहां से जा रहे हैं हमारे पोलो ग्राउंड हुआ करता था और उस टाइम पे काफ़ी बढ़िया पोलो मैच हुआ करते थे नवरोज के टाइम पे। अभी हम जा रहे हैं गोनपा की ओर,
यहाँ से जाने का रास्ता ही काफ़ी खूबसूरत है। तो आप सब जो भी तुरतुक आए तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि गोनपा तक ज़रूर जाएँ, जहाँ से पूरा तुरतुक बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फाइनली हम गोनपा पे पहुंच चुके हैं और यहाँ से तुरतुक का जो नज़ारा दिखता है वो सबसे बढ़िया दिखता है। चलिए आप सबको दिखाता हूँ ऊपर का। ऐसा बताया जाता है कि हमारे तुरतुक का जो गोनपा है पहले कॉमन वर्शिप प्लेस हुआ करता था हमारे इंडियन आर्मी के लिए, और बाद में इसको 1971 में एक गोनपा की शक्ल में तब्दील कर दिया। यहाँ से आप देख सकते हो पुराना जो हमारा मंदिर है। गोनपा के दर्शन कर लिए है, अब हम वापस जा रहे हैं। अब हम खेतों के बीच से चले जाएंगे वापस और यूल की तरफ भी जाएंगे जहाँ पे हमारा मस्जिद है। खेतों से होते हुए अब हम खाना खाने जा रहे हैं, काफ़ी भूख लगी है। उसके बाद ही हम मस्जिद के साइड जाएंगे जो कि यूल साइड में है। तो चलिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मुबारक हो आपके इस खूबसूरत रेस्टोरेंट के ओपनिंग के लिए। मोई तो आ चुका है, खाना आ चुका है। यहाँ पे हमने खाना खा लिया, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त और बढ़िया खाना है हमारे भाई के यहाँ। जब भी तुरतुक आए तो नॉमेट हम जरूर आए। और इतने खूबसूरत इतने हैंडसम मेहमान को लाने के लिए बहुत मैं भाई का बहुत बड़ा फैन था। बस बात कर रहे हैं, ये हमारे हमारे हिमाचल के सस्ते जोन का यहाँ पे तारीफ होते हुए बात। जस्ट हमने खाना खा लिया, अब हम जा रहे हैं मस्जिद की ओर। खिर भी चिल्लो जन बताओ फैसल चिन गिरी मी पू तो फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे मस्जिद में। ये मस्जिद में पहुंच चुके हैं और ये हमारे यहाँ के सबसे पुराना मस्जिद है, जो कि बताया जाता है कि ये 16th सेंचुरी में बनाया गया था। तो अभी आप सबको अंदर भी दिखाएंगे। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ की वुडन कार्विंग्स। मस्जिद विज़िट करा और हम वापस जा रहे हैं। अंदर थोड़ा लाइट नहीं था आज, तो अंदर का उतना अच्छे से नहीं दिखा पाया, बट कभी और दिखाएंगे आप सबको। जा रहे हैं वापस, काफ़ी टायरिंग डे रहा, बट उम्मीद करता हूँ कि अनिल को अच्छा लगा होगा मेरे गाँव में। मुझे तो हर बार अच्छा ही लगता है। कैसा लगा? मस्त। तब हम वापस वैरायटी वाला गाना, वैरायटी वाला गाँव, छोटा है बट छोटा पैक बड़ा धमाका है। आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी चलेंगे आगे, हम पहले काफ़ी थके हुए हैं। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करा कि अपने गांव को आप सबको दिखाऊं और यहाँ हम कैसे रहते हैं बल्ती लोग, उस सबको भी दिखाऊं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। बाकी मैं इस व्लॉग को यही पेन करना चाहूँगा, एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए। तो ऐसे ही देते रहें, हम और कोशिश करेंगे और भी अलग अलग जगहों पे जाके व्लॉग बनाने की। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हाँ जी, हमेशा की तरह सपोर्ट करते रहें। जी रहें।